सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ा हैरान करने वाला ताज़ा मामला सामने आ रहा है। 5 लोगों के जिंदे जलने की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। आपको बताना चाहेंगे, ये घटना पंजाब के होशियारपुर से सामने आ रही है। पंजाब के होशियारपुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 युवक जिंदा जल गए हैं। बताया जा रहा है, जालंधर पठानकोट हाईवे पर दसुआ के पास किसी ट्रक ने उनको पीछे से टक्कर मारी है। लेकिन इससे पूर्व देखा जाए तो इन 5 युवकों में से एक युवक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दिख रहा है जालंधर पठानकोट हाईवे पर है और उसकी कार की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कार चल रही है। काफ़ी तेज़ आवाज़ में एक वीडियो सॉन्ग भी चल रहा है और पंजाबी सॉन्ग पर ये 5 थिरक भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक भयानक एक्सीडेंट होता है, जैसे के बाद इनकी कार में एक भयानक विस्फोट होता है और उसमें भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते ये 5 लोग उस कार में फंस जाते हैं और जिंदे ही जल जाते हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। अफसोस इस बात का है, सभी लोग बता रहे हैं कि ट्रक वाले ने टक्कर मारी है, जबकि वो ट्रक भी असंतुलित होकर सड़क से नीचे जा पलटा और उसमें ट्रक ड्राइवर भी फंस गया है। जैसे तैसे ट्रक ड्राइवर को भी बाहर निकाला गया है। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि इन लोगों की कार की स्पीड काफ़ी तेज थी, अचानक इनकी कार में एक भयानक विस्फोट होता है, जिसके चलते कार इधर उधर भागने लगती है और इससे मेरा ट्रक का भी संतुलन बिगड़ जाता है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, मरने वालों में कॉम्प्लेक्स निवासी ऋषभ मिनास आज़ाद नगर भार्गव कैंपस के हैं इंद्रजीत कौंडल, इसके अलावा अभी और राजू अंकित, ये 5 दोस्त हैं जो कि सभी जालंधर के रहने वाले हैं। अभी और ऋषभ अपने परिवार में इकलौते बेटे थे। दोनों की इस हादसे में मौत होने के बाद उनके घर में कोहरा मचा हुआ है। उनका चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है। इसलिए दोस्तों, कभी भी गाड़ी इतनी भयानक स्पीड में ना भगाएं, क्योंकि माँ बाप आपका घर पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा था, ये 5 दोस्त शादी के एक प्रोग्राम में गए थे, आते समय ये हादसा हुआ है। थाना दसुआ के SHO आर प्रेम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वो घटनास्थल पर पहुँचे हैं। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार जालंधर नंबर की है। कार की डिटेल के आधार पर मृतकों की पहचान की गई और उनके परिवार वालों को जानकारी दी गई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब यह घटना घटित हुई, उस वक्त 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, वहीं बाकी लोगों को जैसे तैसे कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिनमें 2 की सांस चल रही थी और एक खुद ही उस कार से बाहर निकल आता है। तीनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चले जाती है। इसके बाद उसके परिवार जनों को इस घटना की जानकारी दी जाती है। परिवार जने जब अस्पताल पहुंचते हैं, तब तक उनके बेटों की जान चली जाती है। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।